Hi all, this video is for standard 5th science. I am your science teacher. See, this chapter is name is how things work. तो सबसे पहले आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कोई भी चीज़ कैसे काम करती है, हाउ थिंग्स वर्क. अगर हम वैसे देखने जाएं तो नथिंग इज़ टू बी वर्क विदाउट साइंस. साइंस के बिना कोई भी चीज़ें काम नहीं करती हैं. तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. जैसे आपको आपकी बुक्स में यू हैव टू ओपन योर साइंस बुक, यू सी द फर्स्ट फोटोग्राफ, देर इज़ ए स्टैंडर्ड वेट वेविंग मशीन. ठीक है, आप दुकानों में जाते होंगे आप शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे देखते होंगे व्हेन यू गो फॉर वेजिटेबल शॉप यू सी दैट दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी देयर. ठीक है, तो सॉरी, हाँ वन सेकेंड, देर इज ए डिस्टर्बेंस, सॉरी. तो ये जो वेविंग मशीन है ये कैसे काम करता है. अगर आप वन साइड में इफ़ यू आर पुटिंग 500 ग्राम्स, अदर साइड में आप कुछ भी नहीं रखते हो, तो क्या होगा, जिधर 500 ग्राम्स का वेट होगा उस साइड में इसका वो नीचे चला जाएगा. इफ़ यू आर पुटिंग 500 ग्राम्स और इफ़ यू आर पुटिंग 500 ग्राम्स मटेरियल्स अदर साइड, जब आप दूसरी तरफ 500 ग्राम्स का कुछ मटेरियल्स रखते हो और एक साइड में 500 ग्राम्स का आप वेट रखते हो, तो उस केस में क्या होता है, इट इज़ गेट टू बी बैलेंस, ये बैलेंस हो जाता है. अब इसके बाद एक और हम देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी है, या आप अगर बनाना चाहो तो घर पे बना सकते हो, बट नहीं भी बना सकते हो. इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हो, कोई भी चीज़ का अगर आप वेट निकालते हो, तो जितना वेट आप एक साइड में रखते हो उतना ही वेट का आपको दूसरे साइड में रखना पड़ता है. वो इसलिए कि ये फिर बैलेंस करता है. अब ये एक्टिविटीज़ के अंदर आपने देखा है कि इससे क्या मालूम पड़ता है, द कॉइंस एक्ट एज द स्टैंडर्ड वेट. मैं इसको रीड कर रहा हूँ, द कॉइंस एक्ट एज द स्टैंडर्ड वेट यूज बाई ए शॉपकीपर. स्टैंडर्ड वेट्स हैव फिक्स वेट लाइक 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम एंड 1 kg. सपोज समवन वॉन्ट्स टू बाई 600 ग्राम्स ऑफ शुगर. सपोज किसी को 600 ग्राम का शुगर चाहिए. द शॉपकीपर प्लेसेस स्टैंडर्ड वेट ऑफ 100 ग्राम एंड 500 ग्राम ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस. ही देन बैलेंसेस दिस बाई पुटिंग जस्ट एनफ शुगर ऑन द अदर पैन. और वो दूसरे साइड में क्या करता है, उतना शुगर रख देता है. अब हम एक दूसरी तरफ देखते हैं कि देयर इज अ फोटोग्राफ्स ऑफ बल्ब. देखो, बल्ब के बारे में बहुत बच्चों का फोन आया था कि बल्ब क्या है, कैसे है. मैं आपको बताऊँ, अभी नाउ ए डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट बल्ब. अभी ऐसा ट्रांसपेरेंट बल्ब का मिलना मुश्किल है जिसमें कि आप देख पाओ, इजीली देख पाओ कि व्हाट इज़ इनसाइड द बल्ब. बल्ब के अंदर क्या है वो देख पाना अभी दिक्कत है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग ट्रांसपेरेंट बल्ब. बट ऑल्दो आपको ये जो बुक्स में फोटोग्राफ्स दिया हुआ है उसका अच्छे से ध्यान से देखो, उसके अंदर आपको बल्ब में दिखेगा कि इफ़ यू सी द इनसाइड द बल्ब देर इज़ ए रिंग इज शोइंग. तो इसको क्या बोलेंगे हम, फिलामेंट. इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. मैं आपके बुक्स को रीड करता हूँ. इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट. तो अभी हमको वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट. टर्न ऑन ए टॉर्च एंड वेट फॉर ए वाइल. जैसे हम हमारे घरों में टॉर्च होता है, तो टॉर्च में क्या होता है, हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है. टर्न ऑन ए टॉर्च एंड वेट फॉर ए वाइल, और थोड़ा देर वेट कर लेते हैं. देन फील द ग्लास विथ योर हैंड. जब हम ग्लास को टच करते हैं इट विल बी वॉर्म, वो हमको गर्म लगता है. इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द कॉइल. इनसाइड द बल्ब टर्न्स इट हॉट. द हीट ट्रेवल्स टू द ग्लास एंड मेक्स इट वॉर्म. अब जो हीट है वो हीट क्या होता है, वो ग्लास के थ्रू ट्रेवल्स करता है और ग्लास को वो हीट करता है. ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू एनीथिंग. हीट कब प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है. ठीक है, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द मटेरियल द थिंग्स इज मेड ऑफ. अब वो चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना पास होगा. देखो, ये चीज़ जानना
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर जानने की कोशिश करो कि जब आपके घरों में क्या होता है कि हमारे पास आयरन होता है, ठीक है, तो हम जब इलेक्ट्रिक के प्लग में हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रिक का फ्लो वायर के थ्रू जाता है और उसकी वजह से हमारा जो आयरन का प्लेट्स है वो मेटल का है, तो जब इलेक्ट्रिक मेटल के थ्रू पास होता है तो मेटल गर्म हो जाता है, आगे फोटोग्राफ्स हम देखेंगे सभी चीज़ों को, और गर्म होने के बाद हम वी आर इन पोजिशन टू हम आयरन कर पाते हैं। मोर हीटिंग प्रोड्यूस इफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास इजीली थ्रू द मटेरियल। ये बल्ब हैज़ ए स्पेशल मेटेलिक कॉइल, बल्ब के अंदर क्या होता है, स्पेशल मेटेलिक कॉइल होता है, वायर इनसाइड इट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस दिस कॉइल कॉल्ड द फिलामेंट। अभी जो कॉइल होता है अंदर उसको बोलते हैं फिलामेंट, बिकम सो हॉट दैट इट ग्लोज ब्राइटली गिविंग अस लाइट। द गुड थिंग्स अबाउट द मेटल ऑफ द फिलामेंट इज दैट इट डज नॉट मेल्ट इजिली, when it does melt the bulb fuses and we have to replace the bulb। अब क्या होता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और थोड़ा टाइम बल्ब यूज़ होने के बाद, आपने देखा होगा घरों में बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं इसको एक बार और रीड करता हूँ, दिस कॉइल कॉल्ड द फिलामेंट, यानी इसके अंदर जो आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हो, तो बिटवीन टू वायर्स देयर इज़ ए वायर, तो ये जो वायर है ना यही फिलामेंट कहलाता है, बिकॉज सो हीट दैट इज़ ग्लोन ब्राइटली, ये जो हीट है वो बहुत ही ब्राइटली होता है गिविंग अस लाइट, उससे हमको लाइट मिलती है। द गुड थिंग्स अबाउट द मेटल ऑफ द फिलामेंट इज दैट इट डज नॉट मेल्ट इजीली। फिलामेंट में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि मेल्ट जल्दी नहीं होता है। व्हेन इट डज मेल्ट द बल्ब फ्यूजेस, जब वो मेल्ट होता है द बल्ब फ्यूज हो जाता है एंड वी हैव टू रिप्लेस द बल्ब, और उस केस में क्या होता है हमको बल्ब रिप्लेस करना पड़ता है। वी यूज द हीट प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी अदर हाउस होल्ड एप्लायंसेस लाइक हीटर्स, टोस्टर, आयरन्स एंड गीजर्स। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घरों में यूज़ होती हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, कपड़े पे हम आयरन करते हैं, हीटर है, यानी सब बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो नीचे दिए हुए हैं, देखो ये सब, ये रूम हीटर है, देखो यहाँ पे एक कॉइल जैसा बना हुआ है, ये आयरन्स के कॉइल होते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं, और ये जो घरों में यूज़ होता है इसके पीछे यही रीज़न है कि दे आर गेटिंग हीटेड, हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक के फ्लो से जो मेटेलिक चीज़ें हैं वो गर्म हो जाती हैं, हीटर है, टोस्टर है, आयरन है, गीजर्स है, इन सम हीटर्स यू कैन सी द कॉइल ऑफ वायर दैट गिव्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, दिस कॉइल इज कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट। इफ़ यू टर्न ऑन सच ए हीटर यू विल सी दैट द कॉइल ग्लोज एंड व्हेन इट इज हॉट इट मोस्ट हीट प्रोड्यूसिंग अप्लायंसेस द हीटिंग एलिमेंट इज कवर्ड एंड कैनॉट बी सीन। अब लोग क्या होता है ना, हीटिंग एलिमेंट एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग वैसे देख नहीं सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी द फ्लो ऑफ हीट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, हमको वो फील करना होता है एंड इट इज़ हैविंग ए वेरी हाई इफेक्ट। आपको यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल, अगर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है तो यू डोंट ट्राई टू यूज़ इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स होते हैं और वो आपको गाइड करते हैं तभी आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करना, बिकॉज देर इज़ ए हाई वोल्टेज पासिंग थ्रू दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इट विल बी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। आपको सिर्फ यही समझना है कि वी आर यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे देखो यहाँ पे रूम हीटर बना हुआ है, आपने कई बार होटलों में देखा होगा कि देर इज़ ए मस्क्यूटो मशीन ऑल्सो, जिससे मस्क्यूटो को अट्रैक्ट करते हैं, फिर आयरन्स है, तो दीज थिंग्स आर यूज, ठीक है, फॉर आवर बेनिफिट्स, बट आप उसको यूज़ मत करना अगर आप पेरेंट्स के प्रेजेंट में समझ जाते हो, दे नॉलेज, बिकॉज दिस आर वेरी डेंजरस। अब देखो एक दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर, आप सबने यू हैव टू प्ले एट होम समटाइम कि जब हमारे पास गुब्बारा होता है, बैलून होता है, तो बैलून में हम क्या करते हैं, वी पोर मैक्सिमम एयर और उसके बाद हम उसको छोड़ते हैं, तो क्या होता है तेजी की तरह आगे की तरफ भागता है। इससे ये प्रूफ होता है कि देर इज ए प्रेशर इन गैस, जब आप बैलून को फिलअप करते हो तो देर इज ए गैस इनसाइड द बैलून और वो हवा गर्म होती है और गर्म हवा की वजह से
जब आप उसको छोड़ते हो तो बैलून यूज टू गो इन द अपवर्ड्स। तो इसको एक बार हम रीड करते हैं, आपके बुक में जो एक्टिविटी है कि पुश ए पीस ऑफ ए स्ट्रॉ इन टू द माउथ ऑफ ए स्मॉल बैलून, विंड ए रबर बैंड टाइटली अराउंड द माउथ, टेप द स्ट्रॉ टू ए लाइट पेपर ट्राइंगल, फील द बैलून विथ एयर, लेट इट गो नियर द राउंड ग्राउंड, वॉच इट मोर। अभी बताया गया है कि ये बैलून जो है वो ऑन व्हाट बेसिस इट इज़ वर्क, आप करना चाहो तो घर पे कर सकते हो, दिस इज वेरी स्मॉल एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ए जेट फ्लाइज द सेम वे, जेट आपने देखा होगा प्लेन कैसे उड़ता है, मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, आपके बुक्स में नीचे है देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रॉकेट्स ऊपर जा रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, देन यू कैन सी दैट देयर इज सम जेली फिशेस के बारे में बताया गया है, दैट इज डिफरेंट वन, ठीक है। तब हम बुक्स को रीड करते हैं, आप अच्छे से ध्यान से देखो। ए जेट फ्लाइज द सेम वे, द फ्यूल बर्निंग इनसाइड इट्स प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस, द गैसेस रश आउट ऑफ द रियर एंड ऑफ द जेट एंड दिस प्रोपेल्स और पुशेस द जेट फॉरवर्ड, लीटिंग गैसेस ऑफ लिक्विड रश आउट इन वन डायरेक्शन टू गेट ए थ्रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड जेट प्रोपुलेशंस प्रोपल्सन्स। रॉकेट्स ऑल्सो यूज जेट प्रोपल्सन टू फ्लाई, ए स्पेस रॉकेट कैरी देयर ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न देयर फ्यूल बिकॉज देयर इज नो एयर इन स्पेस। अब क्या है, ऊपर आसमान में तो एयर होता नहीं है, तो हमारे प्लेन के अंदर ऐसा एक बनाया जाता है जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग जेट प्रोपल्सन। तो जेट प्रोपल्सन के थ्रू ऑक्सीजन टू बर्न देयर फ्यूल बिकॉज देयर इज नो एयर इन स्पेस, जेट प्लेन्स डू नॉट नीड टू, दे यूज द ऑक्सीजन इन द एयर। सम एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो यूज जेट प्रोपल्सन, सम सील्ड क्रिएचर्स ब्रिंग देयर सेल टूगेदर टू स्क्वीज आउट वाटर, स्क्विड फोर्सेस फोर्स आउट वाटर थ्रू ए पाइपर लाइक ओपनिंग, जेली फिश देमसेल्स अप विद वाटर एंड देन पुश द वाटर आउट। अभी जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ नीचे फोटोग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर ये कैसे फंक्शंस होता है पहले आपको समझ लो। जैसे रॉकेट है तो रॉकेट में आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ फायर होता है, वेन रॉकेट यूज टू फ्लाई, जैसे आपने देखा होगा मंगल मिशन के लिए जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसके अंदर क्या था, वेन द फ्लाइट यूज टू बी गो सेटेलाइट जब आसमान की तरफ जा रहा था तो उसके अंदर ये बताया जा रहा था कि उसके अंदर फायर हो रहा है, और फायर होने से क्या हो रहा था कि देर इज ए प्रेशर क्रिएटेड, और वो जो एयर है एयर का प्रेशर इट इज़ इन वो गर्म हवा की वजह से देर इज ए प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द एरोप्लेन ऑल्सो, और एक जेली फिश का छोटा सा एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हम इसके एक्सरसाइज भी हमने भेजा हुआ है आप लोगों को, बट आप लोगों को नहीं मिला होगा तो आप इसको फिर से आप बुक में फिलअप कर लेना, मैं एक बार इसको रीड करता हूँ, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, ठीक है। ए वेगिंग बैलेंस इज ए लीवर, या फिर इन द ब्लैंक में लीवर आएगा, विद द फलक्रम एट द सेंटर, इसको क्या रीड करेंगे हम, फलक्रम। द क्वाइल ऑफ वायर इनसाइड ए बल्ब इज कॉल्ड द फिलामेंट, व्हेन द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब मेट्स द बल्ब फ्यूजेस, रॉकेट्स यूज जेट प्रोपल्सन टू फ्लाई, द क्वाइल ऑफ वायर इनसाइड ए हीटिंग डिवाइस इज कॉल्ड ए हीटिंग एलिमेंट। ये सब आपको लर्न करना है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर विल बी ए फाइनल एग्जामिनेशन एंड दिस ऑल मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड टू यू। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स, स्टैंडर्ड वेट्स हैव फिक्स्ड वेट्स, ट्रू, हीट इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू समथिंग, ट्रू। अब इसमें देखो कैसा है कि हीट इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू समथिंग, अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज ट्रू। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ नॉन मेटल, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो नॉन मेटल का बना होता है, तो दैट इज वेरी रॉन्ग, नॉन मेटल का बनेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही नहीं। द हीट प्रोड्यूसेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू समथिंग डिपेंड ऑन द मेटल द थिंग इज मेड ऑफ, ट्रू। जेट कैरीज देयर ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ट्रू, अगर जेट एयरवेज में खुद का ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको तो एयर में से ऑक्सीजन तो मिलना नहीं है। सम एक्वेटिक एनिमल्स यूज जेट
प्रोपल्सन। अभी हमने रीड किया है कि जेली फिश जो होता है उसके अंदर यही चीज़ होता है, इसी फंक्शंस के हिसाब से चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी। चलो बाय, थैंक यू।